We today propose slash the corporate tax rates for domestic companies and also for new domestic manufacturing companies. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और कैपिटल गेन्स टैक्स सरचार्ज में छूट का ऐलान किया, शेयर बाजार बम बम कर उठा। बाजार तो 1921.15 अंकों की बढ़त के साथ 38,014.62 अंकों पर बंद हुआ, लेकिन एक वक्त 2,284.55 अंकों की उछाल के साथ सेंसेक्स 38,378.02 अंक तक पहुंच चुका था। सेंसेक्स में महज एक दिन में अब तक ये सबसे बड़ी उछाल है। इससे पहले 18 मई 2009 को बाजार 2110 पॉइंट उछला था। बाजार की खुशी बता रही थी कि वित्त मंत्री का बूस्टर प्लान हिट रहा। The effective tax rate for these companies shall be 17.01%, inclusive of all surcharge and cess. 17.01%. And also again, such companies shall not be required to pay any MAT. वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए आज जो ऐलान किए, उसके मुताबिक अगर कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले रहे तो उसे अब 22% की दर से ही टैक्स देना होगा। पहले ये दर 30% था। यही नहीं, 1 अक्टूबर के बाद बनी घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15% की दर से आयकर भुगतान कर सकती है। इसके अलावा 5 जुलाई 2019 से पहले शेयर बायबैक का ऐलान करने वाली लिस्टेड कंपनियों को शेयर के बायबैक पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा हासिल किए गए कैपिटल गेन पर हायर सरचार्ज नहीं होगा। इक्विटी सेल या इक्विटी ओरिएंटेड फंड से हुए कैपिटल गेन पर भी बढ़ा हुआ सरचार्ज नहीं लगेगा। पीएम मोदी ने इस ऐलान को ऐतिहासिक बताते हुए ट्वीट किया, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का कदम ऐतिहासिक है। इससे मेक इन इंडिया को एक शानदार प्रोत्साहन मिलेगा, दुनिया भर से निजी निवेश को आकर्षित करेगा, हमारे निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा, अधिक नौकरियां पैदा करेगा। हालांकि दूसरी ओर अमेरिका के ह्यूस्टन में मोदी के हाउडी कार्यक्रम में अरबों के खर्च को राहुल ने बोझ बताते हुए कहा कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था का हाल नहीं छिपेगा। विपक्षी नेताओं ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के फैसले में कोर्ट का दावा किया है। फाइनेंस मिनिस्टर को हर 5 दिन के बाद आना पड़ता है संशोधन करने के लिए, हर 2 दिन के बाद। ये डेली वेजर संशोधन करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन गई कि हर 3 दिन के बाद आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और संशोधन करती है। उसका मतलब है जो जीएसटी बनाया था विदाउट एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। विपक्ष अरसे से बाजार में सुस्ती का मुद्दा उठा रहा था, लेकिन सरकार इसे स्वीकार नहीं रही थी। लेकिन एक के बाद एक ऐलान से साबित हो गया कि सरकार को भी मर्ज का पता चल गया है।